और गाइस स्वागत है आप सभी का स्टारलेस जोन पर। गाइस आज की वैकेंसी में हम बात करें तो सिप्ला जैसी सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में मल्टीपल पदों के लिए डायरेक्ट ही वैकेंसियां जारी की गई हैं। इसमें लड़के एंड लड़कियां दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकेंगे। काफ़ी एक्साइटिंग बात ये है गाइस कि इतनी बड़ी मेडिकल कंपनी के अंदर जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो बहुत ही मिनिमम रखी गई है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन से लेकर हाइजेस्ट तक के सभी लोग जो है अप्लाई कर सकेंगे, जिन्होंने मेडिसिन से रिलेटेड कोई डिग्री या डिप्लोमा हासिल किया है या जिन्होंने नॉन मेडिकल डिग्री या डिप्लोमा हासिल कर रखा है, सभी लोग अप्लाई कर सकेंगे। बारीकी से आपको वीडियो देखनी है क्योंकि इसमें नर्स से लेकर हर तरह के अलग अलग पदों पर वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। जैसे कि जो भी कैंडिडेट यूपी से बिलोंग करते हैं या नोएडा, हरियाणा, गुड़गांव जैसे शहर से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका होने वाला है। सिप्ला जैसी सबसे बड़ी मेडिसिन कंपनी में इन सभी अलग अलग लोकेशंस के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं। सैलरी के साथ साथ जो बेनिफिट आपको मिलेंगे वो बहुत ही एक्साइटिंग मिलने वाले हैं, जैसे कि कैंटीन, रूम, फूड जैसी सभी अन्य फैसिलिटी मिल रही हैं। तो वीडियो को आप प्रॉपर देखिएगा, फुल डिटेल्स देखने के बाद जो है आप इसमें आवेदन कीजिएगा। मैं आपको लाइव प्रूफ बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इसमें आवेदन करना है, कैसे आपको इसमें जॉब मिलेगी, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगे, सभी चीज़ें आपको बारीकी से समझनी है। कोई भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है। आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हो बाद में फिर कमेंट करते हो तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। 5 से 8 मिनट की वीडियो होती है, आपको बिल्कुल बारीकी से देखनी है। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और हाँ बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो कंपनी है गाइस इंडियन मल्टीनेशनल जो कि फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, जिसके सिप्ला कंपनी के कई अन्य प्रकार के जो है ये प्रोडक्ट्स बनाती है मेडिसिन से रिलेटेड। अगर आप इस कंपनी के बारे में डिटेल्स में प्राप्त करना चाहते हो सभी जानकारी प्रोडक्ट सहित, तो आप इनकी वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा, वहां से जो है आप सभी जानकारी एक्सेस कर सकोगे। जी हाँ गाइज, आप इस प्रकार से यहाँ पर डायरेक्ट आ सकते हैं। जैसे कि सिप्ला आप सेलेक्ट करेंगे तो सिप्ला एक ग्लोबल फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है जो कि काफ़ी हेल्थ रिलेटेड बॉडीज एंड स्टेक होल्डर्स कई अन्य प्रकार के जो हैं कैटेगरी में वर्क करती है। सिंपली आप यहाँ से जैसे इस पर टैप करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। ओवर 85 ईयर्स हो चुके हैं दोस्तों सिप्ला कंपनी को वर्क करते हुए। फाइनली आप यहाँ पर इनके प्रोडक्ट के साथ साथ इनकी जो भी जानकारी है आप प्राप्त कर सकते हो हर एक डिटेल्स में, जहाँ जहाँ पर प्लांट्स के अवेलेबल है हर चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आवर पोर्टफोलियो केयर्स भी इसके अवेलेबल है, जैसे कि रेस्पिरेटरी हुए, HIV एड्स हुए, सिप्ला जेनरिक हुए, सिप्ला डायग्नोस्टिक हुए, OTC, सिप्ला हेल्थ हुए, अदर थेरेपीज, ऑनकोलॉजी, कई अन्य प्रकार के जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे पोर्टफोलियो केयर। तो चलिए अब हम इसके डिटेल्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं, बाद में हम आपको इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें एक्सपीरियंस और फ्रेशर दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं। साथ ही ये जॉब बिल्कुल फ्री है, आपको पैसे नहीं किसी को भी पे करने हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसकी गाइस जब हम बात करेंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं 10th पास भी अगर आप हैं तो भी आप सिप्ला कंपनी में अप्लाई कर सकोगे, या आपने इससे अपर लेवल की कोई डिग्री हासिल कर रखी है, जैसे कि 12th पास हुए, ITI वाले कैंडिडेट हुए, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, या आपने डी फार्मा कर रखा है, बी फार्मा कर रखा है, GNM, या आपने कोई भी अन्य मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड डिग्री हासिल कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकेंगे, या आपने विदाउट मेडिकल से नॉन मेडिकल आपकी डिग्री है, जैसे कि सिंपल जैसे कि BA BSc पास आउट कैंडिडेट होते हैं वो वाले भी इसमें एलिजिबल हैं। तो इसमें जो क्राइटेरिया रखा गया है ये इसका, तो 18 to 55 वर्ष रखा गया है। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस कंपनी में आवेदन भी कर सकेंगे। बहुत अच्छी बात है कि इसमें एज क्राइटेरिया जो है बहुत ही एक्साइटिंग रखा गया है। पोस्ट एंड डिपार्टमेंट की हम बात करें तो गाइस इसमें मल्टीपल पोस्टों पर वैकेंसियां जारी की गई हैं। हेल्पर से लेकर ऑपरेटर कई अन्य प्रकार के पदों पर जारी की गई हैं। पैकिंग के भी पदों पर हैं, स्कैनिंग के भी पदों पर हैं, हर तरह की वैकेंसियां हैं। मैं यहां पर डेमो के तौर पर कुछ पोस्टें आपको दिखा देता हूँ, बाद में सभी स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताएंगे। जैसे कि आप देखेंगे जूनियर ऑपरेटर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो गाइस वर्क होता है, ये गोवा की लोकेशन पर वैकेंसी जारी की गई है और ये गाइस जो है 19 मार्च को ही पोस्टेड की गई है। ध्यान रखिएगा जो भी पोस्टें आपको बता रहा हूँ वो ट्रेंडिंग की ही पोस्टें हैं। जैसे कि आप देखेंगे सेकंड जूनियर ऑपरेटर, ये भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की है, ये भी गोवा की लोकेशंस पे जारी की गई है। जूनियर टीम मेंबर जो कि क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड जो वर्क है ये सिक्किम रंगपो की लोकेशंस पे जारी कर रखी है। उसके बाद देखेंगे एक और जो है ये गोवा की लोकेशंस पे जूनियर टीम मेंबर की है। आप देखेंगे API मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस के जो वर्क है ये कर्नाटका की लोकेशंस पे है। हर एक जगह की अलग अलग मल्टीपल लोकेशंस की यहाँ पर जारी की गई। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर पैकिंग के भी पदों पर काफ़ी अच्छे पद हैं, जैसे कि जूनियर ऑफिसर जो कि पैकिंग का वर्क वगैरह करेंगी, सीनियर ऑफिसर्स के भी हैं गाइस पैकिंग का यहाँ पर वर्क दिया गया है। दोनों की लोकेशंस गोवा हैं। इसी प्रकार से यूपी में जैसे कि लखनऊ हुए, कानपुर हुए, आगरा हुए, नोएडा, और देखेंगे आप हरियाणा और कई सारी अलग अलग दिल्ली NCR की जगहों पर वैकेंसियाँ इसमें जारी की गई हैं सिप्ला कंपनी की तरफ से। यहाँ पर देखेंगे आप ऑपरेटर के भी पदों पर जारी की गई हैं और क्वालिटी असिस्टेंट जो कि इंस्पेक्टर के भी पदों पर हैं, लैब एनालिस्ट के भी पदों पर जारी की गई हैं। हर एक भर भर के यहाँ पर वैकेंसी हैं, जो कि आप सभी को मैं बता दूं तो 14,500 से ज़्यादा पदों पर यहाँ पर वैकेंसियाँ इसमें जारी की गई हैं सिप्ला कंपनी की तरफ से। तो
कंपनी की तरफ से। तो ऐसा मौका आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना ये मौका, ज्यादा से ज्यादा इसमें अप्लाई करना है और आपको आपके नियरेस्ट लोकेशन पे ही गाइस जॉब मिलेगी, वहीं पर आप जो है काम भी कर सकेंगे। साथ ही आप यहाँ पर मैनुअली भी लोकेशन डाल सकते हो और पोस्ट वाइज भी सर्च कर सकते हो, वो आगे हम आपको प्रोसेस बताएंगे। अभी आपको डेमो के तौर पर पोस्टिंग बता दी है सिंपल, अब हम और भी डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं, बाद में हम आपको इसे बताते हैं प्रोसेस आगे का। जैसे कि अब आप यहाँ पर देख पाएंगे सैलरी पैकेज के बारे में, जो कि गाइज इसमें जो मिनिमम सैलरी रखी गई है, जो सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट 10th पास वाले हैं, 12th हैं या आरटीआई वाले कैंडिडेट इस कंपनी में काम करेंगे, उनको 19,500 रुपये सैलरी देखने को मिलेगी। जिनके पास जीएनएम या डी फार्मा बी फार्मा जिन्होंने कर रखा है या अपने ग्रेजुएशन कोई भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, उनको गाइज जो है इसमें 62,000 पर मंथ तक जो है अपनी सैलरी देखने को मिलेगी। और ऐसा कुछ भी नहीं कि गाइज डायरेक्ट आपको इतनी ही मिल जाए, यहाँ पर आपके किसी पोस्ट पर 45,000 भी हो सकती है, 35 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 38 भी हो सकती है, इसी वाइज आपकी जो है इसमें सैलरी रहेगी। सभी की पोस्ट और क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। जो भी आपको सैलरी मैंने शेयर की है वो एक एक्सपेक्टेड सैलरी है। वैसे तो गाइस इसमें अगर आप 10th पास भी हैं और आपको 18,000 से 19,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी मिल रही है तो बहुत ही एक्साइटिंग सैलरी है। साथ ही जब आप इसमें 1 ईयर काम कर लोगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद आपकी जो सैलरी है वो भी काफ़ी अच्छी इंक्रीमेंट होगी, साथ ही जो बेनिफिट भी बहुत अच्छे मिलेंगे। और दूसरी बात ये है कि इसकी सिप्ला कंपनी परमानेंट आपकी जॉब है और काफ़ी बड़ी जो कि मल्टीनेशनल कंपनी भी आपकी होने वाली है। साथ ही अदर बेनिफिट की हम बात करें तो यहाँ पर आपको PAPCIC जैसी सुविधा मिल जाएगी, हेल्थ इंश्योरेंस हुआ, कैंटीन हुए, ट्रांसपोर्ट हुए, कई सारी अदर बेनिफिट होते हैं जो आपको कंपनी में ही मिल जाएंगे। ड्यूटी आपकी 8 घंटे रहेगी, 26 डे वर्क 4 डे ऑफ रहेगा। ओवर टाइम भी काफ़ी अच्छा चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं कि इसमें ओवर टाइम ना चले, ओवर टाइम भी गाइस इसमें 6-6 घंटे तक चलता है, 8 घंटे भी चलता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना चाहें उतना ओवर टाइम कर सकते हो गाइस। ध्यान रखें इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो गाइस होगा आपके पर्सनल इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड। जैसे कि सबसे पहले तो आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी एप्लीकेशन के वाइज, जितना जल्दी आप अप्लाई कर दोगे उतनी ही आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा बेनिफिट, क्योंकि आपके सिलेक्ट होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। जितना आप लेट अप्लाई करोगे उतनी ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होने की वजह से आपके शॉर्टलिस्टिंग के चांस भी बहुत ही कम हो जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आज ही आवेदन कर देना है। जैसे आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो जाता है आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे, बाद में जो है आपको ऑफर एंड ज्वाइनिंग देखने को मिल जाएगी। अब हम आपको इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस बता देते हैं, कॉन्टैक्ट करने का भी बता देते हैं। पूरा प्रोसेस यहीं से आपको बारीकी से समझना है कैसे आपको इसमें जॉब मिलेगी। जैसे कि सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है, लिंक मैंने वहाँ पर मेंशन कर दी है, डायरेक्ट आप लोग वहाँ से जो है सिप्ला कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर जाएंगे। गाइस आप यहां पर देख पा रहे हैं बिजनेस एनालिस्ट की पद है, 20 मार्च 2024 आज की डेट में पोस्टेड की गई है, महाराष्ट्र की लोकेशंस है यहां पर, जूनियर ऑपरेटर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये भी आज की पोस्ट की गई है गाइस, ये भी रंगपो की है। सिंपल मान के चलिए आप 6 मंथ बाद भी यहां पर वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको नई पोस्टें देखने को मिल जाएंगी। आपको यहां पर डेट ऑफ पोस्ट देख लेनी है, मिनिमम 3 मंथ्स जो कि ओल्ड होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 3 मंथ से ज्यादा की ओल्ड हो चुकी है कोई भी यहाँ पर पोस्टेड, आपको नहीं अप्लाई करना है, ध्यान रखिएगा। और एक नहीं दो नहीं, कम से कम 8 से 10 जो कि पोस्टों में आपको अप्लाई करना है ताकि जल्द से जल्द आपको रेस्पॉन्स देखने को मिले और 100% आपको इसमें सिलेक्शन मिल सके। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे सभी जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही वैकेंसियां ज्यादातर जारी कर रखी हैं, और यहाँ पर नीचे की तरफ जब आप करेंगे सिलेक्ट थोड़ा मैं ओवर सर्च बटन का, तो आप यहाँ से जो और भी मोर देख सकते हो सभी पोस्टें, और आप अपने ही क्वालिफिकेशन वाइज अप्लाई कीजिएगा। ध्यान रखिएगा जिस भी एसपी आपके पास क्वालिफिकेशन है, जैसे कि जूनियर ऑफिसर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, ये गोवा की लोकेशन पे है। उसके बाद आप देखेंगे सीनियर ऑफिसर, ये भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की है। यहाँ पर साथ साथ सभी जो है पोस्टों के डेट का नाम भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है। अब हम आप सभी को डेमो के तौर पर एक पोस्ट में अप्लाई भी करके दिखा देता हूँ, सिंपल आप उसी वाइज जो है नेक्स्ट पोस्ट में अप्लाई कीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ जूनियर ऑपरेटर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, सिंपल मैंने इस पर टैप किया। टैप करने के बाद यहाँ पर आपके पोस्ट का नाम लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, किस डेट को ये पोस्टेड की है गई है पोस्ट, ये भी आपको दिखेगा, कहाँ पर लोकेशन रहेगी, कौन से डिवीजन में आपको वर्क करना रहेगा जो कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में आपका वर्क रहेगा, और एम्प्लॉय टाइप जो कि आपकी परमानेंट ये जॉब वैकेंसी है गाइस। साथ ही आप यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी देख सकते हो, जैसे कि अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी से कर रखा है, कोई भी डिप्लोमा है फार्मेसी से रिलेटेड है, तो आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकोगे, या आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कोई भी डिप्लोमा या डिग्री है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकोगे। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखेगा ये अप्लाई नाउ का बटन, यहीं से जो है आप सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकोगे। जैसे ही आप इस पर टैप करोगे, मैंने इस पर टैप कर लिया, ध्यान रखें आपको जो है डेस्कटॉप मोड में ही अपना ये ब्राउजर ओपन करना है, तभी आपको सभी पोस्टें अच्छे से देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आपसे बोलेगा कि आप इसमें लॉगिन कीजिएगा, तो लॉगिन आप तभी कर पाओगे जब आपके पास इसका अकाउंट होगा ऑलरेडी। तो आपको क्या करना है, अगर अकाउंट है तो आप ईमेल पासवर्ड डाल के यहाँ पर साइन कर लोगे, नहीं तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पे टैप कर देना, ये नीचे की तरफ आपको दिखेगा क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ पे आपको टैप कर लेना है। आपसे पूछेगा यहाँ पर सबसे पहले ईमेल डाल देनी है, दोबारा से वही ईमेल आपको सेलेक्ट कर लेनी है, अपना जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं पासवर्ड रखिएगा, अपना नेम दे देना है, लास्ट नेम दे देना है, कंट्री अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, और फाइनल आपको क्रिएट एन अकाउंट पे टैप कर देना है, तो आपका जो है अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जो आप यहाँ पर ईमेल पासवर्ड डालोगे वही आपको जो है वहां पर लॉगिन के समय दोस्तों डालनी रहेंगी, कोई भी गलत
कोई भी जो है गाइस, आपको गलत जानकारी नहीं फिल करनी है, ध्यान से आपको बारीकी से सभी जानकारी फिल करनी है। दोबारा से जब आप साइन इन करोगे तो वहां पर आपको ईमेल पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाना है। और आपको भी जो जो है है पूर्ण होकर आ जाएगा, वहां पर आपको सभी जानकारी अच्छे से मेंशन करनी है, जैसे कि अपना नेम वगैरह हुआ, फादर नेम, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, कहाँ पर आपने काम वगैरह किया है, अपना रिज्यूम वगैरह, हर जानकारी से अच्छे से उसमें जो है अपलोड कीजिएगा। तो इस प्रकार से जो है आप सभी कैंडिडेट इन सभी पदों पर आवेदन कर पाओगे। आवेदन का प्रोसेस मैंने आप सभी को लाइव प्रूफ बता दिया है। कुछ भी अगर आपको डाउट है यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने में, कुछ भी दिक्कत आती है तो कमेंट में आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जो है रिप्लाई अवश्य दूंगा गाइज। तो वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगे हो तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में नई जॉब के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद गाइज।